आपका स्वागत है। आज हम आपको पार्टी स्टार्टर बनाना सिखाएंगे। इसके लिए हम 2 टेबल स्पून हम चुड़वा लेंगे और इसको हम पानी में 10 मिनट के लिए भिगो करके रख देंगे। दस मिनट बाद ये अच्छी तरीके से फूल गए। इसको हम एक किनारे रख देते हैं। अब हम एक दूसरा बाउल लेंगे। दूसरे बाउल में हम 5-6 ग्रेटेड आलू को हमने लिया है, ग्रेट कर लिया है। इसको अच्छी तरीके से हम ग्रेट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स, हरी मिर्च, थोड़ा सा हर्ब डालेंगे, ऑरेगानो, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसको फिर से हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हमारा ये पोहा हो गया है। अभी इसको हम मसल मसल के अच्छी तरीके से मैश करेंगे। अब हम एक छन्नी की सहायता से पोहा का सारा पानी निकाल के छान देंगे। इसको हम अच्छी तरीके से मैश कर देंगे। थोड़ा सा पानी घोल भी डालेंगे 1 चम्मच के करीब। अब हमने ये मैश किए हुए आलू को फ्रिज से निकाल लिए हैं। अब इसके पहले हम क्या करेंगे, ये अरारोट पाउडर है और हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको बिल्कुल लिक्विड बना लेंगे। बिल्कुल पतला सा घोल बनाएंगे। इसमें थोड़ी सी नमक डालेंगे। और हमने ये 2-3 ब्रेड को हम ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। अब हम चलते हैं स्टार्टर बनाने के लिए। हथेली पे हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसको बहुत छोटे छोटे आकार में, इस आकार में हम इसको लेंगे, इसको डीप करेंगे, इस पे डालेंगे।
पार्टी स्टार्टर बिल्कुल बन करके रेडी हो गए हैं। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाले हैं। आप किसी भी बर्थडे पार्टी, घर पे भी कोई भी पार्टी वगैरह आप मना रहे हैं, इसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी आप बना सकते हैं। आप इसको बनाइए, बच्चों को खिलाइए, आप भी खाइए। हमारी रेसिपी को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।